हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में जितने भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं केवीएस पीजीटी बायोलॉजी में, वो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट इन, क्वेश्चन पूछा गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट इन, ऑप्शन है आपके स्क्रोटम, बी ऑप्शन पेनिस, सी प्रोस्टेट एंड डी टेस्टिस। सो राइट आंसर गिवन ऑप्शन में से है टेस्टिस। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म, गिवन ऑप्शन हेलिकेज, बी ऑप्शन एमाइलेज, सी ट्रिप्सिन एंड डी हाइलुरोनिडेज। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइलुरोनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑटोसोम डज अ ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव, गिवन ऑप्शन 44, 46, 24 और 33। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्टी फोर इज ऑटोसोम्स एंड वन पेयर जो होता है टू नंबर ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो क्लियर है, 44 ऑटोसोम्स हो गया और दो जो होता है मींस वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, गिवन ऑप्शन आपके हैं जर्म सेल्स, सर्टोली सेल, प्रोस्टेट या लेडिंग सेल्स। गिवन ऑप्शन में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेडिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म, गिवन ऑप्शन वेजिटल पोल, एनिमल पोल, सी जोना पेलिसिडा एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनिमल पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन ऑर्गेनेल दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम, गिवन ऑप्शन एक्रोसोम्स, बी इज जोना पेलिसिडा, सी मेगलीज एंड डी एनिमल पोल्स। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्रोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रिकल कॉर्ड कॉन्टेन, गिवन ऑप्शन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, बी इज अ ब्लड स्टेम सेल्स, सी कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम्ब्रिकल कॉर्ड कॉन्टेन, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गिवन ऑप्शन ओवरी, बी इज ओविडक्ट, सी एक्सटर्नल जेनाइटल एंड डी नॉन ऑफ द अबव। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द ओवरी, ओविडक्ट एंड एक्सटर्नल जेनाइटल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट, गिवन ऑप्शन लिम्स, बी इज अ न्यूट्रोफिल्स, सी इज अ सीलिया एंड डी इज अ फ्लैजिला। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैजिला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडर कैनाल रिसीव्स, गिवन ऑप्शन ए इज अ एग, बी अमोनिया, सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी इज अ स्पर्म। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस इज प्रोजेस्ट्रॉन, बेसोपरसीन,
टेस्टोस्टेरोन एंड नॉन ऑफ द एवर। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन्स। ओल्फिन डक्ट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टिक डक्ट, मेजर सबलिंगल डक्ट, इजेक्युलेटरी डक्ट्स, मेजोनेफ्रिक डक्ट्स। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेजोनेफ्रिक डक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट विच हैज नैरो लुमेन ज्वाइनिंग द यूटेरस। गिवन ऑप्शन इज सर्वाइकल कैनाल, बी इज अ बोम, सी इज अ एम्पुला एंड डी इज अ स्थमस। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्थमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम इज फिल्ड विथ। गिवन ऑप्शन हार्मोन, बी इज अ साइटोप्लाज्म, सी इज अ प्रोटीन एंड डी इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ बीविपेरस एनिमल। गिवन ऑप्शन डक, क्रोकोडाइल बी, सी इज अ गोट एंड डी इज अ रैट। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ ओविपेरस एनिमल इज सीप, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एलिफेंट, सी इज अ पीग एंड डी इज अ फीजन। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फीजन्स। इज एन ओविपेरस एनिमल। गिवन ऑप्शन बास्किंग साक, बोनोबो, बी इज अ बोनोबो, सी इज अ ब्लू साक एंड डी इज अ सीप। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बास्किंग साक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर लेयर ऑफ द यूटेरस इज नॉन एज पेरिकार्डियम, ए इज अ पेरिकार्डियम, बी इज अ एपिकार्डियम, सी इज अ प्रोमेट्रियम एंड डी इज अ पेरीमेट्रियम। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इज अ टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट अ मेमेलियन मदर टू द इट्स फीटस। ए इज एक्सॉन, बी एंडोमेट्रियम, सी प्लेसेंटा एंड डी इज अ क्रोनी। प्लेसेंटा इज अ राइट आंसर। After ovulation, graafian follicle regress into A. corpus albicans, B. corpus atricia, corpus callosum and corpus luteums. तो given option में से right answer क्या हो जाएगा आपका? corpus luteum. A human female reaches menopause around the age of 50 years, 60 years, 75 years and 35 years. तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 years. In whose side secondary maturation occur in? Ovary, B is a uterus, C is abdominal cavities and D is a fallopian tube. गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर आपका हो जाएगा fallopian tubes. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल। हाइमेन, बी इज अ क्लाइटोरिस, सी इज अ मोनोप्यूबिस एंड डी इज अ सर्विक्स। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्विक्स। बिसाइड एक्टिवेटिंग द एग, अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज कैरी टू एग, NADP, RNA, DNA, ATP. गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा आपका DNA. प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज स्पर्मेशन,
कॉर्टिकल रिएक्शन बी इज अ कॉर्टिकल रिएक्शन, सी स्पर्मियोजेनेसिस एंड डी कैप्सिटेशन। गिवन ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पर्मिएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट्स, बल्ब्यूरो यूरेथन ग्लैंड्स एंड एम्पुला। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्पुला। विच एमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम्स, स्पर्मेटोगोनिया, बी इज अ जाइगोट, सी सेकेंडरी ओसाइट्स एंड डी इज अ ओगोनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट्स। विच ऑफ लेयर सो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। गिवन ऑप्शन एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, यहाँ दो बार पेरीमेट्रियम आ गया एंड डी इज अ मायोमेट्रियम। सो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाई ह्यूमन प्लेसेंटा। गिवन ऑप्शन प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजेंस, HCG एंड LH। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका LH। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन इज कोरीन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड जोना रेडिएटा। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कोरोना रेडिएटा। नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोइज, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेशन और स्पर्मियोजेनेसिस। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पर्मियोजेनेसिस। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।